सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान को लेकर कांग्रेस में भाजपा पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि उन्होंने चुनाव में सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताने वाले बूथों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि उनकी इस घोषणा पर निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा विकास के मुद्दों पर चुनाव न लड़ते हुए जनता को सीधे प्रलोभन दे रही है, और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यही बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर उतर आएगी। तो वही मंत्री कह सकते हैं जिन्होंने 25 करोड़ रुपए कमाए होंगे। और गोविंद राजपूत जी का जहां तक प्रश्न है, उनके मामले में तो सर्वविदित है कि उन्होंने क्या किया है पूरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में, वो ही दे सकते हैं, आम व्यक्ति दे नहीं सकता है। और चूंकि आरोप प्रमाणित है, भारतीय जनता पार्टी में यदि जरा भी नैतिकता बची हो तो उनकी उम्मीदवारी उनको वापस लेना चाहिए। प्रलोभनों से सरकार को खरीद सकते हैं, उनके लिए मतदाताओं को खरीदना बहुत नॉर्मल बात है। अब ये चुनाव आयोग को चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता के प्रति कितना खरा उतरता है। 5 दिन और रुक जाइए, उसके बाद कौन से मुद्दे लेकर आएंगे मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन पहले ही मैंने अपने ट्वीट में बता दिया था कि अब इनके मुद्दे होंगे हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान, वो मुद्दे होंगे इनके। इनका कभी विकास पर इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं है, और जिन्होंने विनाश और भ्रष्टाचार किया वो विकास की बात क्या करेंगे।